डीपीआई क्या है, कैसे यूज करते हैं, डीपीआई यूज करने से क्या होता है, क्या ऑटो हार्ट शॉट लगते हैं, क्या मूवमेंट स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्या ग्लू वॉल डालने का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, क्या डीपीआई यूज करने से हमारा फोन डैमेज हो सकता है, क्या डीपीआई यूज करने से हमारा फोन हैंग हो जाएगा, क्या डीपीआई यूज करने से हमारा आईडी जो है वो बैन हो जाएगा, आखिर क्यों करते हैं लोग डीपीआई यूज, कैसे करते हैं डीपीआई यूज, क्या डीपीआई यूज करने की कोई लिमिट होती है, क्या डीपीआई यूज करने के लिए कोई अलग से डिवाइस आता है, क्या हर एक डिवाइस में डीपीआई यूज करनी चाहिए, कौन से रैम के लिए कितना डीपीआई यूज करना चाहिए। म्यूजिक सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक इन अनदर वीडियो। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, होप करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं डीपीआई के रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देंगे। गाइज किस किस बंदे को डीपीआई यूज करने चाहिए और डीपीआई की यूज कैसे करते हैं गाइज, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि यार ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए गाइज बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, डीपीआई क्या होता है नहीं पता, देख लो सुन लो। डॉट्स पर इंच, अबे फुल फॉर्म का आचार डालना, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो नहीं समझोगे तो तोते की भाषा में समझा देते हैं। तोता जानते हो, पैरेट, जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो दो इमेज आपको स्क्रीन पे शो रहे हैं, ध्यान से देखना इन दोनों में क्या क्या चेंजिंग आ रही नजर आ रही है आपको। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 300 dpi, सेकंड में आपको दिख रहा है 72 dpi। तो दोनों में चेंजिंग मेरे को बता देना, क्या आपको चेंजिंग क्या नजर आ रही है। अंधे होगा, दिखता नहीं। फर्स्ट में लिखा गया हाई रेजोल्यूशन, सेकंड में लो रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या छोड़ो, सीधी सी बात है, आपको यहाँ पे फर्स्ट जो है वो HD शो हो रहा है और सेकंड जो है वो यहाँ पे ब्लर में शो हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप DPI यूज़ करते हो तो आपका जो डिस्प्ले है वो एकदम HD शो होगा, एकदम क्लियर शो होगा। अगर आप नहीं यूज़ करते तो आपका जो वो ब्लर में शो होगा, जैसा था वैसा ही शो होगा, समझ गए। सेकंड, यहाँ पे आपको जो दो ही में शो हो रहे हैं, इनमें आपको फर्क नजर आ रहा होगा। फर्स्ट वाले में आइकन बड़े बड़े शो हो रहे हैं, सेकंड वाले में जो आइकन है वो छोटे छोटे शो हो रहे हैं। तो DPI यूज़ करने से आपका जो डिस्प्ले है वो ऐसा हो जाएगा। एंड उसी के साथ ही यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, डिस्प्ले का जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा भी मूव करोगे तो आपका जल्दी से मूव हो जाएगा। आप जितना जल्दी मूव करोगे उतना जल्दी जो आपका डिस्प्ले वो मूव वगैरह करने लगेगा, मतलब आप जितना जल्दी स्वाइप करोगे उतना जल्दी आपका स्वाइप हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो गेम खेलने में, आपका जो फ्री फायर खेलने में, वो बहुत ही आपको कंफर्टेबल लगेगा। अभी बात आती है, क्या DPI यूज़ करने से हमारे हेडशॉट लगेंगे? हाँ बिल्कुल लगेंगे, लेकिन आपको लगाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक नहीं लगेंगे, मतलब ऑटो हेडशॉट नहीं लगेंगे, आपको खुद लगाने पड़ेंगे। कैसे, क्या मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप ड्रैग करोगे, थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो जो आपका आसानी से ड्रैग हो जाएगा, हेड पे चला जाएगा, वो आपको ड्रैग खुद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके, DPI यूज़ करके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको खुद चेंजिंग नज़र आएगी, आप थोड़ा सा ड्रैग करोगे सीधा हेड पे जाके रुकेगा, बट आपको खुद ड्रैग करना पड़ेगा, समझ गए। अभी बात आती है, क्या मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होती है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई बाइक है, उसको अगर आप तीसरे या चौथे गियर में चलाते हो, तो फिर अगर आप पाँचवा डालते हो तो आपको क्या लगता है, आपको कितना मज़ा आता चलाने में, कितना आपको हल्का सा लगेगा। तो वही बात है, अगर आप DPI यूज़ करते हो तो जो आपका मूवमेंट स्पीड है वो एकदम इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका जो डिस्प्ले का सेंसिटिविटी है वो हाई हो जाता है, उसकी वजह से आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अभी तो पता चल गया होगा, ग्लू वॉल भी आसानी से लगने लगेगा। आगे वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ DPI कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं किया, कर दो। नहीं करोगे? अरे कर दो ना यार, कर दो। अरे अब बच्चे की जान लोगे क्या? तो गाइस अभी बात आती है, बहुत से बंदे बोलते हैं DPI यूज़ नहीं करनी चाहिए, DPI यूज़ करने से फ़ोन हैंग करता है, DPI यूज़ करने से फ़ोन जो है वो डैमेज हो जाता है। तो गाइस आप खुद सोच लो कि अगर कोई भी कंपनी फ़ोन लॉन्च करती है तो उस फ़ोन में वो ऐसे सेटिंग तो नहीं रखेगी यार, जिस सेटिंग को ओपन करने से, जिस सेटिंग को ऑन करने से जो फ़ोन है वो डैमेज हो जाएगा, जो फ़ोन है वो हैंग करने लगेगा। गाइस आप खुद ही सोचो, अगर आपका कंपनी, अगर आप फ़ोन तैयार करते हो लेकिन आप उस फ़ोन में एक ऐसी सेटिंग रख देते हो जिसको ऑन करने से फ़ोन जो है वो डैमेज हो जाएगा, फ़ोन जो है वो हैंग करने लगेगा, तो सोचो यार आपका फ़ोन जो है वो कौन लेगा। तो गाइस जाहिर से बात है कि DPI यूज़ करने से कोई भी फ़ोन में प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप सही तरह से यूज़ करो, जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं DPI कैसे यूज़ करें और कितनी यूज़ करें। सबसे पहले आपके पास जो भी डिवाइस है, 2GB से लेकर 4GB तक आपके पास जो भी डिवाइस है या फिर उससे ऊपर भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितनी यूज़ करनी है। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने अबाउट फोन में जाके, जैसे मेरे पास MI का फ़ोन है तो यहाँ पे उसका वर्जन शो होगा, उस वर्जन पे आपने क्या करना है, 7-8 बार टैप करना, उस टैप करने के बाद आपको नीचे की तरफ शो हो जाएगा यू आर नो ए डेवलपर। तो आपने क्या करना, उसके बाद आपने चले जाना अपने एडिशनल सेटिंग में। तो गाइस एडिशनल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आपको डेवलपर्स ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपने क्या करना, उसको ओपन करके नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करना, तो यार नीचे की तरफ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिस पे लिखा होगा स्मॉलेथ विदित। तो गाइस यहाँ पे आपने क्या करना, इसको ओके कर लेना, यही होती है DPI। गाइस यहाँ पे आपको DPI डालना होता है। तो गाइस आपका यहाँ पे 360 वगैरह होगा, गाइस 360 ही होता है शायद, 2GB से लेकर 4GB तक 360 ही होगा। तो गाइस आपने क्या करना है, यहाँ से 420 रख सकते हो। गाइस मैं 460 रख के खेलता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आप 420 रख लेना। गाइस अगर आपके पास 2GB से लेकर 4GB तक फ़ोन है तो गाइस आप 420 रख के खेलो, 460 भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे ऊपर कभी मत करना, क्योंकि ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो गाइस अभी बात आती है, जिनके पास हाई एंड डिवाइस के फ़ोन है, गाइस जिनके पास गेमिंग फ़ोन है, 5GB 6GB 7GB रैम वाले फ़ोन है, गाइस वो बंदे इसे ज़्यादा रख के खेल सकते हैं गाइस, क्योंकि यार उनका कोई भी नहीं, क्योंकि उनका जो फ़ोन है वो हाई एंड डिवाइस का, गाइस उनका
हाई लेवल का फ़ोन है वो जितने चाहें उतने रख के खेल सकते हैं, उनका यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस जिनके पास 2 GB 3 GB है वो यहाँ पे 420 रख के खेलना, उसे ऊपर कभी मत करना ये, क्योंकि यार आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे तो गाइस 460 से ऊपर कभी भी मत करना, 460 के ऊपर कभी भी मत करना। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया होगा। तो इसी बात पे अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ 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 कर देना कर देना कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।